प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर सेवा पखवाड़ा के तहत श्रीश चंद्र बारात घर में आयोजित रक्तदान शिविर का उद्घाटन सहकारिता मंत्री JPS राठौर ने फीता काट कर किया और रक्तदान करने वाले भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को पुष्प गुच्छ देकर उत्साहवर्धन भी किया गया। इस अवसर पर मंत्री राठौर ने कहा कि प्रधानमंत्री की मंशा है कि देश में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु खून की कमी से ना हो, इसलिए समाज के सभी वर्ग के लोग मानव सेवा के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान करें। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष सौरभ मिश्र, नगर पालिका अध्यक्ष सुख सागर मिश्र और साथ ही में मधुर जिला उपाध्यक्ष संजय सिंह, गुड्डू आशा, अजीत सिंह बब्बन, संदीप सिंह, राजेश अग्निहोत्री और जिला अध्यक्ष राजीव रंजन मिश्र, मीडिया प्रभारी गंगेश पाठक, रानू त्रिवेदी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष उमेश अग्रवाल के अलावा जिला अधिकारी अविनाश कुमार, पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी, अपर जिला अधिकारी वंदना त्रिवेदी, साथ ही में नगर मजिस्ट्रेट डॉक्टर सदानंद गुप्ता, क्षेत्राधिकारी नगर विनोद कुमार द्विवेदी और साथ ही में जिला सूचना अधिकारी संतोष कुमार आदि उपस्थित रहे। मंत्री श्री राठौर ने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रधानमंत्री के जीवन व्यक्तित्व पर आधारित गांधी भवन हॉल में नगर पालिका की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी का शुभारंभ फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद में मंत्री श्री राठौर ने स्थानीय निरीक्षण भवन में सहकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ विभाग के कार्यों की समीक्षा की और कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए। अगर हमारा कायदा कानून संविधान उसको न्यायसम्मत मानता है, उसको उसको परमिट करता है तो वो चलाए और नहीं चलाए तो उसको व्यवस्थित करने का काम। सर, अभी आपने अपने जवाब में कहा कि अराजकता परोसी जा रही है, तो थोड़ा सा उनके जो है पूरे प्रदेश जानना चाहेगा कि क्या आप लोगों की नोटिस में आया कि किस टाइप की अराजकता मदरसों में परोसी जाती है। जिन बच्चों के हाथों में कंप्यूटर होना चाहिए, जिन बच्चों के हाथों में पेंसिल होना चाहिए, वहाँ पर संस्कार होने चाहिए, उसके अतिरिक्त वहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ों को सिखाया जा रहा है जिसके कारण यहाँ की मजबूरी हो गई कि हमको वहाँ पर ना तो कंप्यूटर की शिक्षा दी जा रही है, ना जो हम जो हमारी पारंपरिक शिक्षा है वो सही से दी जा रही है, तो वहाँ पर धर्माने का काम भी हो रहा है। ये इसको सर्वे हो रहा है, अगर यहाँ पर पाठ्यक्रमों में या पाठ्यक्रमों से अंतर कोई ऐसी गतिविधि का संचालन अगर वहाँ पर लोगों ने मान्यता नहीं दी है तो इसका मतलब समझ लीजिए मान्यता ना देने के पीछे ही उनका कारण वहाँ पर फिर क्या भरोसा दे नहीं दे। और जब हम सर्वे कर रहे हैं उसका रिपोर्ट क्यों गए, हम सर्वे कर रहे जान रहे कि भाई आप क्या पढ़ा रहे हैं, अगर हमारे कह रहा हूँ पाठ्यक्रम नहीं पढ़ा रहे तो अराजकता ही पढ़ा रहे हैं। क्या जो मान्यता नहीं लेगा उसकी मान्यता उसको बंद कर दिया जाएगा, लेने के लिए विमर्श किया जाएगा और अगर नहीं लेगा तो निश्चित रूप से संविधान के दायरे में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट।